पतंजलि योग समिति हरिद्वार स्वामी रामदेव जी के सानिध्य में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आईटीआई शमशी के प्रांगण में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भुंतर तहसील प्रभारी पतंजलि योग समिति मैं इंदिवर मेहता योग शिक्षक, इसका कई दिनों से हम प्रचार प्रसार पूरे अपने पूरी तहसील में इसका आह्वान किया था कि सभी लोग इकट्ठे हों और एक साथ योग का महत्व समझे। कम से कम पूरे देश ही नहीं, पूरे विदेश, विश्व भर में 210 कंट्रीज में आज एक साथ योग दिवस का कार्यक्रम रखा गया और इसमें हमारे सभी सहयोगी और यहाँ के स्थानीय निवासी आईटीआई के स्टूडेंट्स, हमारे तहसीलदार जी, उनके साथ आई हुई उनकी टीम, हमारे साथ रोजाना जो रोज कक्षा में आते हैं, और हमारे पतंजलि योग समिति कुल्लू के सभी अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने बढ़ चढ़ कर आज इस योग प्रशिक्षण में भाग लिया। योग का महत्व ही बहुत ज्यादा है, आने वाले समय में भी इसके बिना किसी भी प्राणी मात्र का कोई दूसरा उपचार नहीं है। आपने कोरोना काल के पीरियड को याद किया होगा कि केवल एक ही मात्र उपाय था कि जब जब पतंजलि योग ने अपनी सेवाएं प्रदान की और पतंजलि के जो भी प्रयोग, जो भी दवाइयां निरंतर वितरित होती रही और आयुष मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो जो सेवाएं प्रदान की, तो एक योग ही एक ऐसी चीज है जो घर बैठे ही आपको हर बीमारियों से उपचार करता है। ये जो हमारी अंग्रेजी दवाइयां या दूसरे और उपचार बने हैं, इनसे कई साइड इफेक्ट्स हैं। ये जो एक घंटे की कक्षा है, ये जीवन में आप अपने लिए समय देते हैं। कक्षा में बहुत कुछ आकर सीखने को मिलता है, आपसी अनुभव हम शेयर करते हैं और एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। भविष्य भी मैं अपने सभी स्थानीय निवासियों को आह्वान करता हूं और उन्हें जागरूक करने के लिए कहता हूं कि कृपया योग कक्षा से जुड़े, निरंतर हमारी योग शिक्षा भुंतर गणेश चौक तारा बिल्ला के प्रांगण में सुबह 5:30 से 7 बजे निरंतर कक्षा निःशुल्क चलती है, जिसमें माताएं, बहनें, बुजुर्ग और पड़ोसी हमारे आते हैं। आप सभी सादर आमंत्रित हैं और कृपया अवश्य आएं, अपना आसन साथ में लेके आएं और अपने अड़ोस पड़ोस में भी उन्हें भी जागरूक करें। और बहुत से लोग बीमारियों से ग्रस्त है, बिस्तर में पड़े रहते हैं, उन्हें एक बार चेतना दें, एक बार कक्षा में लेके आएं और अनुभव करें। 24 घंटे के बीच में ही उन्हें इसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो भविष्य में भी हम यही आशा करते हैं कि हमारी पूरी जिला भर में योग कक्षाएं चल रही हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और यही एक ऐसी संस्था है जो निःशुल्क आपको सेवा प्रदान कर रही है। और भी कई संस्थाएं हैं जो कि बिना शुल्क लिए पेड हैं, तभी वो आपको सेवाएं प्रदान करते हैं। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं कि आप कक्षा से जुड़ें और आज आए हुए सभी प्रतिभागियों का, हमारे सभी अधिकारियों का और मुख्यतः हमारे आईटीआई शमशी के सभी जो अधिकारी हैं जिन्होंने हमारे सहयोग दिया, प्रधानाचार्य जी का विशेष आभार व्यक्त करते हैं। ओम जी।